दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के खिलाफ ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर सुबह तकरीबन 4:15 पर जांच खत्म करके ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम वापस चली गई। इस तरह ईडी की टीम तकरीबन 21 से 22 घंटे तक राजकुमार आनंद के घर पर मौजूद रही और घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत सभी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। फिलहाल ईडी को राजकुमार आनंद के घर से क्या क्या मिला है इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। माना जा रहा है कि ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्शन की डिटेल को लेकर खुलासा करेगी। बता दें कि गुरुवार की सुबह 6:30 पर ईडी के अधिकारी राजकुमार आनंद के घर पहुंचे थे और तब से लेकर आज सुबह तक छापेमारी हुई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एक मामले की जांच के तहत दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद के परिसरों और कुछ अन्य स्थानों पर गुरुवार को छापा मारा। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित मंत्री के परिसरों समेत एक दर्जन स्थानों पर सुबह 6:30 से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। छापा मार रहे निदेशालय के दलों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टीम भी थी। राजकुमार आनंद के खिलाफ जांच धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत की जा रही है। वहीं राजकुमार आनंद ने कहा कि ईडी की रेड चलती रही, रेड तो बहाना है लोगों को तंग करने के लिए, ऐसा कुछ खास नहीं था, केवल घर की पूरी तरह से तलाशी ली, सब खंगाला मगर उन्हें कुछ नहीं मिला, सब प्रायोजित था, हमें बस ये बताया गया कि उन्हें ऊपर से आदेश है। इस चक्कर में टाइम निकालते रहे, वे सभी सवाल हमसे किए गए जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना और गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है और आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के अलावा 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क चोरी के लिए आयात की गलत जानकारी देने को लेकर आरोप पत्र दायर किया था। यह जांच इसी आरोप पत्र से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि एक स्थानीय अदालत ने हाल में DRI अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद ईडी ने आनंद और कुछ अन्य के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया था। इस खबर को हमने hindi.news18.com वेबसाइट से उठाया है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।